गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज हॉट डेजर्ट सऊदी अरेबिया. ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट अ रीजन हैविंग द एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट. इससे पहले हमने चैप्टर में बहुत घने जंगलों के बारे में पढ़ा था. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट अ रीजन इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट. और इस चैप्टर में हम एक ऐसे एरिया के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर कि बहुत हॉट क्लाइमेट रहता है. डिजर्ट्स आर द एरिया ऑफ द वर्ल्ड विद वेरी लो रेनफॉल विच ऑल्सो एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हॉटनेस एंड कूलनेस. जो डेजर्ट जो होते हैं वो दुनिया के वो हिस्से होते हैं जहाँ की बारिश बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, और वहाँ पर हम या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. ओके, सो द डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट एंड द अनदर इज कूल डेजर्ट. ओके, अगर हम लोग हॉट डेजर्ट की बात करें, अरेबियन, थार एंड द सहारा आर द एग्जाम्पल ऑफ द सम हॉट एंड हॉट डेजर्ट. ठीक है, अगर हम लोग थार, सहारा और अरेबियन डेजर्ट की बात करें तो ये बहुत ही गर्म हॉट डेजर्ट होते हैं जहाँ पर कि गर्मी बहुत पड़ती है. वेयर एज लद्दाख एंड द गोबी आर द कोल डेजर्ट इन द वर्ल्ड. और अगर हम लोग ठंडे डेजर्ट की बात करें जहाँ पर कि कोई वनस्पति नहीं होती, तो इस तरह के डेजर्ट्स जो हैं वो लद्दाख और गोभी है. वो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है. और यहाँ पर और इस चैप्टर में हम लोग हॉट डेजर्ट सऊदी अरेबिया के बारे में बात करेंगे. ओके, ये सऊदी अरेबिया. यस, ओके, डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया में जो डेजर्ट दिख रहे हैं, ओके, ये डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये डेजर्ट है. और इसके अलावा ये डेजर्ट है. ओके, ये सब डेजर्ट एरिया, ये सब, ओके, डेजर्ट एरिया. इधर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में भी है डेजर्ट एरिया. ओके, ये आपका जो पर्पल कलर से ये डेजर्ट एरिया शोन हो रहा है. ओके, ओके, लोकेशन. अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री इन द मिडिल ईस्ट. सऊदी अरेबिया जो है वो मिडिल ईस्ट का एक भूभाग है. इट इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट. या अरेबियन डेजर्ट में स्थित है. इट इज़ सराउंडेड बाय द रेड सी इन द वेस्ट. और ये वेस्ट में इसके रेड सी है और अरेबियन सी इसकी साउथ की तरफ है, जबकि इसका पर्शियन गल्फ जो है वो इसके पर्शियन गल्फ और गल्फ और ओमान जो है वो इसकी ईस्ट की तरफ हैं. ओके, और नॉर्थ में इसके जॉर्डन है. इन नॉर्थ जॉर्डन, इज़राइल, इराक एंड द कुवैत आर सिचुएटेड. और अगर इसके हम लोग नॉर्थ की तरफ बात करें तो जॉर्डन, इज़राइल, इराक और कुवैत जैसे कंट्री जो हैं स्थित हैं. ओके, और यमन, ओमान और यूएई जो हैं ये इसके साउथ की तरफ स्थित हैं. ये जो ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इसके सऊदी अरेबिया से पास होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सऊदी अरेबिया. ओके, मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज़ अ रॉकी प्लेट्यू. ये रॉकी प्लेट्यू है कवर्ड विद अ वास्ट डेजर्ट, और जिसमें चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है. द माउंटेन ऑन द वेस्टर्न साइड इज़ वेरी क्लोज टू द रेड सी. और रेड सी के बहुत पास हैं जो माउंटेन्स हैं. अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज़ बैरन डेजर्ट. और अगर हम लोग यहाँ के डेजर्ट एरिया की बात करें तो अबाउट हाफ
ऑफ द कंट्री, आधे देश जो है यहाँ पर वो टोटल डेजर्ट एरिया है। लैंड सरफेसेस, रूब अल खली इन द साउथ एंड द एन हनूद इन द इन द इन द नॉर्थ आर द कॉन्टीन्यूस बॉडी ऑफ सैंड। अगर हम लोग रब अल खली की जो साउथ में है और अल नूद जो अल नफूद जो है ये नॉर्थ में है, ये पूरा सैंड से कवर है। दिस रीजन इज डॉटेड विद द हिल्स ऑफ द सैंड इज कॉल्ड द सैंड ड्यूज। और यहाँ पर सैंड ड्यूज आम बात है, ये सैंड ड्यूज और यहाँ पर कोई भी ऐसी परमानेंट लेक या रिवर नहीं है सऊदी अरेबिया में। द वादीज और द स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द रेन आर टेम्परेरी, और जो यहाँ पर बारिश होती थोड़ी बहुत उससे जो होते हैं ये यहाँ पर टेम्परेरी रिवर बन जाती हैं थोड़ी बहुत, ये रिवर छोटी नदियाँ हैं। देयर फोर इट इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फ्रेश वाटर इन द कंट्री, इसलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर की बहुत शॉर्टेज रहती है। क्लाइमेट, सऊदी अरेबिया हैज़ एन एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट, यहाँ पर बहुत हॉट क्लाइमेट होता है। द समर सीज़न इज़ फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर से मई तक यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। द वेदर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे, और दिन के टाइम यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत गर्म और हॉट होता है, हॉट और ड्राई होता है। और जबकि द नाइट्स होती है, द नाइट्स आर रिलेटिवली कूल, रात ठंडी होती हैं एज जैसा कि डेजर्ट एरिया में होता है। द विंटर सीज़न इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, से विंटर सीज़न स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ पर जो होते हैं विंटर सीज़न स्टार्ट होता है। और अगर हम लोग इसकी बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ हैं और जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा माइल्ड होता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीज़न, और यहाँ पर जो धूल भरे तूफान चलना आम बात होती है। दे अपीयर सडनली एंड मेक द स्काई हैजी, ये अचानक से आते हैं और पूरे बादल पर छा जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, अगर हम लोग यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो चूँकि यहाँ पर ये डेजर्ट एरिया है और इसलिए यहाँ का जो वेजिटेशन है वो बहुत कम पाई जाती है यहाँ पर। द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ कैक्टस प्रिकली पियर, मतलब यहाँ पे कांटे वाले पेड़ पाए जाते हैं, लॉन्ग रूटेड होते हैं, ग्रासेस होती हैं जिनकी जड़ें पानी की खोज में काफ़ी ज़मीन के नीचे चली जाती हैं, और श्रब्स पाई जाती हैं, झाड़ियाँ। दीज प्लांट्स आर स्पेशली अडोप्टेड फॉर द ड्राई हॉट क्लाइमेट, और इस तरह के पेड़ जो होते हैं वो ड्राई क्लाइमेट को ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं या झेल लेते हैं वो लोग इसको। ट्रीज़ आर वेरी रेयर, यहाँ पर ट्रीज़ बहुत कम पाए जाते हैं। पाम ट्रीज़ ग्रोन इन द ग्रुप्स, और यहाँ पर पाम ट्रीज़ पाए जाते हैं जो कि ओएसिस के करीब होते हैं। ओएसिस मीन एन एरिया देयर वाटर इज़ फाउंड बिटवीन, जहाँ यहाँ पर आपको पानी मिलता है। सम एरियाज आर यूज फॉर द ग्रोइंग डेट्स मेलन टोमेटोज एंड वीट बार्ली, ओके एंड विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर कांटे और झाड़ी वाले पेड़ उगते हैं, और यहाँ पर जो कि इस तरह के क्लाइमेट में ईजली अडॉप्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं। अगर पाम ट्री ग्रो करते हैं जो ओएसिस के करीब ग्रो करते हैं, और कुछ एरिया में डेट्स भी उगते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेलन टोमेटोज वीट बार्ली की भी खेती की जाती है। ओके okay?